मेरठ में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अरुण गोविल, जो कि भगवान श्री राम की भूमिका से काफी प्रसिद्ध रहे हैं, वह वहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं और वहां पर द्वितीय चरण का इलेक्शन होना है, चुनाव होना है, इसलिए वहां पर अब चुनाव प्रचार थम गया है। तो इसलिए वह सुबह सुबह निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पर और चाय की चुस्कियां लेते हुए राजनीतिक चर्चा करते हैं। इस बीच में आने जाने वाली भीड़, चूंकि बहुत लोकप्रिय रहे हैं तो आसपास की भीड़ उन्हें घेर लेती है और उनके साथ सेल्फी लेने लगती है। बहुत मुस्कुराते हुए राष्ट्रहित के बहुत से मुद्दों पर चर्चा होती है और लगातार जब जहां भी वो जिसके भी दरवाजे पर जा रहे हैं तो लोगों के दिमाग में जो पुरानी पिक्चर उनकी बैठी हुई है, भगवान श्री राम का एक चिंतन आ जाता है। हाल ही में भगवान श्री राम लला अपने प्रतिष्ठित और भव्य राम मंदिर में पहुंचे हैं, तो यह भी काफी चर्चा में विषय रहा है और इस कारण भगवान राम के किरदार को निभाने वाले अरुण गोविल को लोग जब अपने दरवाजे पर देख रहे हैं तो काफी लोग खुश हो रहे हैं। तो मेरठ में सेकंड चरण का चुनाव 26 तारीख को होना है और सेकंड चरण में जो लोकसभा इलेक्शन है 13 राज्यों की 89 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 8 सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं, जिसमें से पिछले बार 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, एक सीट अमरोहा की थी, जहां इस बार मुकाबला बहुत तगड़ा है, तो एक सीट अमरोहा की थी जो बीजेपी के खाते में नहीं आई थी। और मेरठ से लगातार बीजेपी के सांसद रहे हैं राजेंद्र अग्रवाल, 3 बार के लगातार सांसद रहे हैं, इस बार उनका टिकट काटकर अरुण गोविल को दिया गया है और वहां की जनता काफी उनको सराखों पर ले रही है। दूसरी तरफ जो सपा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो साझा उम्मीदवार हैं वह है सुनीता वर्मा। सुनीता वर्मा जो है यह साझा उम्मीदवार हैं और इसके पहले भानु प्रताप को वहां से सपा ने खड़ा किया था, भानु प्रताप के बाद अतुल प्रधान को किया था, अतुल प्रधान के बाद इनको, तो यानी प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि हर घंटे सीट बदल रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो ये चीज वहां भी देखने को आई थी। इस समय वहां पर सुनीता वर्मा सपा की हैं और बसपा की तरफ से वहां पर उम्मीदवार हैं देवव्रत त्यागी वहां से उम्मीदवार हैं और पिछले बार 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था तो उनके साझा उम्मीदवार थे हाजी मोहम्मद, तो पिछले बार हाजी मोहम्मद थे। लेकिन इस बार जो सबसे मजेदार चीज सामने आ रही है, पिछले 25 सालों के इतिहास में मेरठ में ऐसा नहीं हुआ है कि कभी किसी बड़ी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार वहां से नहीं उतारा है। वहां 38% कम से कम मुस्लिम आबादी होती है और ऐसे में इस बार किसी भी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार वहां से नहीं उतारा है। तो आपने देखा कि सपा कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है उसने उतारा है सुनीता वर्मा को, बसपा ने उतारा है देवव्रत त्यागी को, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहां से किसी भी पार्टी ने, बड़ी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है। तो इससे एक बात और सामने आती है कि जहां हिंदू मुसलमान के द्वारा जो ध्रुवीकरण होता है वह इस बार ध्रुवीकरण कम रहेगा, लेकिन पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें सपा और बसपा के साझा उम्मीदवार को जब बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने पिछले बार हरा दिया था, तो यह माना जा रहा है कि इस बार जहां सपा और बसपा आमने सामने हैं और उम्मीदवार दोनों के अलग हैं, तो माना जा रहा है कि इस बार वोटों का विभाजन बहुत स्पष्ट होगा और दोनों पार्टियों के बीच में वोटों का अच्छा विभाजन होगा, जिसका फायदा अरुण गोविल को यानी भाजपा के उम्मीदवार को मिलना तय है। लेकिन पिछले बार राजेंद्र अग्रवाल जब जीते थे तो राजेंद्र अग्रवाल और सपा जो बसपा का जो बसपा के हाजी मोहम्मद थे उनके बीच में जो फासला था जीत और हार का बहुत मामूली था, तो देखा जाए तो उस हिसाब से इस बार वोट बटेंगे तो वोट का शेयर जो है वह बटेगा, तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो अंतर होगा वह बीजेपी का उम्मीदवार अगर जीतता भी है, जैसे अगर अरुण गोविल जीतते भी हैं तो अंतर और जो वोट शेयर होगा उन्हें कम प्राप्त होगा, लेकिन जीतने की संभावना उनकी प्रबल है। और वहां पर जो लगातार जो जनता के बीच में जो मुद्दे उठ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की वहां पर बहुत अच्छी जबरदस्त रैलियां हो चुकी हैं और बीजेपी की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए हैं वो राम मंदिर का मुद्दा है और बीजेपी ने बार बार यह मुद्दा उठाया है कि राम मंदिर के नेतृत्व को कांग्रेस ने ठुकरा दिया था और इसी तरीके से सपा ने भी उनके नेतृत्व को ठुकराया था। तो आप इस बार देखिए कि वहां से नेतृत्व की जहां बात हो रही है वहां से अरुण गोविल उम्मीदवार भी बनाए गए हैं और दूसरी तरफ जो बीजेपी की तरफ से जो दूसरी बात उठाई गई है वह बराबर यह उठाई गई कि इनके घोषणा पत्र में पूरी तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की बात की गई है, पूरा घोषणा पत्र इनका मुस्लिम मुसलमानों की तरफ फोकस करता है।
तो वहीं दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसमें यही उठाया जा रहा है कि बीजेपी अगर आएगी तो संविधान खतरे में हो जाएगा, और संविधान खतरे में हो जाएगा। लेकिन जनता को कहीं संविधान खतरे में नजर नहीं आ रहा है, जनता को यह समझ में आ रहा है कि आपका भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद जरूर खतरे में आ गया है, इसीलिए आपको संविधान खतरे में दिख रहा है। सामान्य जनता बहुत खुश है और बहुत अच्छा वहां वोट का, सेकंड चरण के वोट का माहौल है। तो देखिए मेरठ की जनता किस ओर जाती है, मेरठ की जनता क्या तय करती है, मेरठ की जनता का जायका क्या है, यह सब कल के वोट पड़ने के बाद तय होगा। तो कुछ जो कुछ वहां माहौल चल रहा है, अरुण गोविल के दरवाजे दरवाजे पहुंचने पर जो आकर्षण उनकी तरफ से हो रहा है, वो आकर्षण और उम्मीदवारों की तरफ से नहीं हो रहा है। तो दूसरे उम्मीदवार जहां यह विषय बार बार उठा रहे हैं कि अरुण गोविल बाहरी हैं, बाहरी और बाकी उम्मीदवार वहीं के हैं, तो ऐसा कोई नई बात नहीं है। बहुत से सीटों पर बाहर के उम्मीदवार आते हैं, देखा जाता है कि जनता किधर वोट देना चाहती है, क्योंकि ऐसे लोकसभा के इलेक्शन में जनता मेनली ये देखती है कि उनके द्वारा जो केंद्र में मजबूत सरकार होगी उसका क्या काम होगा, तो वहां लोकल और बाहरी का बहुत मतलब नहीं होता है। तो अरुण गोविल की कुल कंडीशन पोजिशन वहां पे अच्छे दिख रही है। लगातार उन्होंने चुनावी रैलियां की, छोटी छोटी सभाएं की, बड़ी सभाएं की, अब मॉर्निंग वॉक का वो सहारा ले रहे हैं और दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, बाकी माहौल बहुत अच्छा। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी की जो सुनीता वर्मा है, उनकी कुछ भाषा बिगड़ी हुई नजर आई जब उन्होंने कहा कि असली राम तो अयोध्या में रहते हैं, नकली राम को, ये तो नकली राम है। तो कहीं ना कहीं कह के जो राम के प्रति उनकी जो उनका जो सम्मान है या उनके दिमाग में जो फिगर बनी हुई है वह सामने आ रही है, और जनता अच्छे से समझती है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का राम मंदिर को लेकर क्या विचार रहा है, राम क्या अवधारणा रही है, और तुष्टिकरण को लेकर इनकी क्या अवधारणा रहती है। तो अभी तक ऐसा नहीं कभी हुआ था मेरठ विधान लोकसभा में कि किसी पार्टी की तरफ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार ना उतारा जाए, इस बार मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। और इस वजह से यह माना जा रहा है कि जो विभाजन जो होता था ध्रुवीकरण के द्वारा वोटों का, तो वह कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मतदाता अपने अपने पार्टियों को और अपने उम्मीदवार को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, बहुत सोच समझ के वोट देते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं मेरठ की जनता को, वह अच्छा कुछ तय करेगी और जो कुछ उसके मन में होगा। तो यह कुछ सिचुएशन है जो बहुत शानदार, बहुत मजेदार है, जो द्वितीय चरण के इलेक्शन में तय होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, फिर आते हैं कुछ ऐसी मजेदार चुनावी अपडेट्स और चटपटे न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।